मुंबई के आनंद सिंह के परिवार में इंतजार हो रहा है दो खास मेहमानों का, और ये खास मेहमान हैं श्रेया और उर्मी, जो किन्नर हैं। जहां आमतौर पर ट्रांसजेंडर्स को स्वीकारने में खुद उनके परिवार वाले हिचकिचाते हैं, वहीं उर्मी और श्रेया को इस परिवार से प्यार और अपनापन दोनों मिल रहा है। वो हमें मिलने आते हैं, हमारी सुख दुख हम उसे बांटते, वो अपना सुख दुख बांटते हैं, तो एक हिस्सा है हमारा। ये मेरी फैमिली नहीं है, पर ये मेरे फैमिली से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन लोग सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मुझे एक्सेप्ट करते हैं मैं जैसी हूँ वैसे। समाज के तीसरे वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का ये बेहतरीन काम कर रहा है अनाम प्रेम। अनाम प्रेम एक परिवार है, एक विचारधारा है, जहाँ पर एक विचार के लोग इकट्ठे आकर कुछ काम करना चाहते हैं, और इस विचारधारा का जो बेस प्रोसेस है वो ये है कि प्यार, लव इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल द कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे कई परिवार हैं जो आज किन्नरों से मिलते जुलते हैं, उनके साथ एक रिश्ता कायम करते हैं, और तीसरे वर्ग के लोगों के साथ नजदीकी से मिलने जुलने के बाद उनके जज्बातों, उनकी तकलीफों को उन्होंने इंसानी तौर पर समझना शुरू किया है। मेरे मन में एक घृणा थी इनके लिए, एक खौफ था, और वो किस कारण था वो पता नहीं था, लेकिन एक मोड़ पे ऐसे आ गया कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं किसी इजड़े से मिला और उससे मैंने इंटरेक्ट किया, तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया उसी दिन, क्योंकि मैंने सोचा कि ये तो एकदम टोटली जैसे हम आप है वैसे ही है। हमारे समाज में तीसरे वर्ग की जिंदगी तभी बेहतर बन सकती है जब समाज अपनी सोच बदले और इन्हें समाज का एक सम्मानित हिस्सा माने। हम कुछ अलग नहीं हैं, हम धरती चीर कर बाहर नहीं आए हैं या आसमान फाड़ के हम तबके नहीं हैं, हम भी आपके ही आपके जैसे ही माँ बाप के पेट से निकले हुए हैं, हम कुछ अलग नहीं हैं। जब तक आप हमें जानने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ही दूरी कम नहीं होगी।